नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में कैसे सफेद होते बालों को काला बना सकते हैं और वो भी आप इस मास्क को 2 घंटे लगाने के बाद जड़ से काले बाल उगना शुरू हो जाएंगे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, इस बात की कोई समस्या नहीं है। अगर सफेद बाल हैं तो भी उनको काला करना इजी हो जाएगा। अगर यह समस्या कम उम्र में भी है, सफेद बाल हो गए हैं, तो भी आपकी समस्या का हल हो जाएगा और कारगर नुस्खा है। तथा नए काले बाल आने के साथ साथ जो बाल सफेद हो गए हैं वो भी काले होते चले जाएंगे। आज के इस नुस्खे में आपके बालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी और रूखे तथा ड्राई बाल भी ठीक हो जाएंगे और सिल्की हो जाएंगे। तो चलिए बताता हूं कि आपको इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चल सके। दोस्तों इसके लिए आप हिना पाउडर ले सकते हैं, जिसे हम इंडिगो पाउडर भी बोलते हैं। आपने बालों की लंबाई के हिसाब से 1 बाउल इंडिगो पाउडर ले लें और इस पाउडर को लोहे की कढ़ाई में डाल लें, क्योंकि इंडिगो पाउडर लोहे की कढ़ाई के साथ मिक्स होकर आपस में ऐसा रिएक्शन करता है और मेहंदी पाउडर के कलर का असर डबल हो जाता है। अगर इन दोनों को आपस में रात भर के लिए मिलाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपना असर बहुत ही अच्छा दिखाता है। दोस्तों अगली चीज है 2 चम्मच दही। दोस्तों दही अगर आपके पास नहीं है, जिसे हम कर्ड कहते हैं, उसकी जगह पर आप 1 नींबू का रस का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि दही या नींबू में सिट्रिक एसिड होने से यह बालों को डार्क ब्लैक करने के साथ साथ बालों को रूट से ब्लैक करता है और बालों की रूट को ताकतवर बनाकर हेयर फॉल की समस्या को भी दूर रखता है। दोस्तों अगली चीज है, इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर भी आपने डालना है। आंवला पाउडर आपके बालों को विटामिन सी प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपके बाल काले बने रहते हैं और इसके साथ साथ आपके बालों में एक शाइनिंग तथा रफ हेयर की समस्या भी दूर रहती है। दोस्तों अगली चीज है 2 चम्मच भृंगराज पाउडर। आपके बालों को काला बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जितनी भी समस्याएं हैं आपके बालों की, उन सभी का हल भृंगराज बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि इससे एंटी एलर्जी या एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो स्कैल्प को ईचिंग से दूर रखती है तथा हेयर स्कैल्प एलर्जी से भी दूर रहती है और बालों के डैंड्रफ तथा हेयर फॉल की समस्या भी दूर रहती है। दोस्तों इसके बाद आपको 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर भी चाहिए। शिकाकाई पाउडर में बालों को शाइन या बालों दो महीने बालों को या स्प्लिट एंड्स की समस्या को दूर रखता है और बालों की जड़ों को काला बनाने में हेल्प करता है और बालों को काला बनाए रखता है। शिकाकाई का मेन रोल है, यह पाउडर सारी परेशानियों को हल भी करता है और आपके बाल काले बने रहते हैं। दोस्तों अब आपने इसको बनाना कैसे है, इसके लिए आप एक लोहे की कढ़ाई ले लें और उसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल लें और इसमें 1/2 बाउल हिना पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच भृंगराज पाउडर और 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर भी डालें और इसके साथ साथ 2 चम्मच कर्ड, जिसे हम दही भी कहते हैं, वो भी आपने डाल लेनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद ये एक पेस्ट का रूप ले लेगा और इसे आप रात भर ऐसे ही बनाकर छोड़ दें और अगली सुबह इसे बालों में लगाएं और बालों में लगाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों को छोड़ दें और 2 से 3 घंटे के बाद अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि आप ज्यादा शैम्पू अपने बालों पर यूज ना करें, अन्यथा इसका कोई असर नहीं रहेगा। दोस्तों यह आपके बालों को काला भी करेगा और जब आपके बाल जड़ से भी काले होने शुरू हो जाएंगे
सफेद बाल भी काले हो जाएंगे, लेकिन इस पेस्ट को लगाने से पहले बालों में तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा नेचुरल नुस्खा है, जिसे करके आप अपनी बालों की अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और लंबे काले तथा घने बाल पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया नुस्खा नया उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।